हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है स्पेशल स्टेनिंग में एल्बर्ट स्टेनिंग को कवर किया था, जो कि कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थीरिया के मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स को स्टेन करने के लिए किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम स्पेशल स्टेनिंग में कैप्सूल स्टेनिंग को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल जो है वो बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है और कैप्सूल जो है वो ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो सकता है। जिन बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। कैप्सूल जो होता है वो एक विरलेंस फैक्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल सेल की डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी को इनक्रीज़ करता है। एक तरीके से बैक्टीरिया को हार्श एनवायरनमेंट से भी ये बचाता है। तो जो कैप्सूल है ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ठीक है, और ये सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर से स्टेन नहीं होता है, इसलिए इसको स्टेन करने के लिए स्पेशल स्टेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम कैप्सूल स्टेन के प्रिंसिपल की बात करें तो जो कैप्सूल है वो ना ही एसिडिक डाई से स्टेन होता है और ना ही बेसिक डाई से, क्योंकि बैक्टीरियल कैप्सूल जो होता है वो नॉन आयनिक होता है। तो अगर हमें कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को देखना है माइक्रोस्कोप में तो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि ये स्टेन ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड को स्टेन करेंगे, ठीक है, एसिडिक डाई से, जिसमें हम नाइग्रोसिन, इंडिया इंक और कॉन्गो रेड का यूज़ कर सकते हैं। और बैक्टीरियल सेल को स्टेन करेंगे हम बेसिक डाई से, जिसमें हम क्रिस्टल वॉलेट, सैफ्रनिन और मिथिलिन ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे अब क्या होगा कि जो बैकग्राउंड है वो भी स्टेन हो गया एसिडिक डाई से, और बैक्टीरियल सेल भी स्टेन हो गया बेसिक डाई से, और जो बैक्टीरिया का कैप्सूल है वो अनस्टेन ही रह गया। तो इससे हम फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं कैप्सूल को। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया इंक मेथड का यूज़ करके हम कैप्सूल को डेमोंस्ट्रेट करते हैं। इंडिया इंक मेथड को हम नेगेटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्टेनिंग में बैकग्राउंड को कलर किया जाता है और जो बैक्टीरिया होता है वो अनस्टेन रहता है। इंडिया इंक मेथड में हम दो डाई का यूज़ करते हैं, क्रिस्टल वॉलेट और इंडिया इंक। तो चलिए इंडिया इंक मेथड के प्रोसीजर को भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दो क्लीन स्लाइड लेनी है, उसमें से एक स्लाइड में, स्लाइड के एंड में वन ड्रॉप इंडिया इंक को ऐड करना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में लूप की हेल्प से हमें कैप्सुलेटेड कल्चर का स्मॉल पोर्शन जो है इंडिया इंक में मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी क्लीन स्लाइड की हेल्प से एक थिन फिल्म बनानी है स्मेयर को स्प्रेड करके, और फिर उसके बाद हमें उस स्लाइड को एयर ड्राई करना है 5 to 7 minutes के लिए। और याद रहे कि जो स्लाइड है उसको हमें हीट फिक्स नहीं करना, क्योंकि हीट फिक्स करने से जो कैप्सूल है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एयर ड्राई करने के बाद हमें जो है स्लाइड को काउंटर स्टेन से स्टेन करना है। काउंटर स्टेन में हम क्रिस्टल वॉयलेट, सैफ्रनिन या फिर मिथिलिन ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें स्लाइड को जो है क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करना है 1 minute के लिए, और आफ्टर 1 minute हमें जो है एक्सेस जो स्टेन है उसको हमें डिस्कार्ड करना है और जेंटली जो है वाटर के साथ वॉश करना है। जेंटली इसीलिए क्योंकि जो कैप्सूल है वो रिमूव हो सकती है वाटर के साथ वॉश करने पर, इसलिए हमें जेंटली जो है वाटर के साथ वॉश करना है स्लाइड को, और फिर हमें स्लाइड को एयर ड्राई करना है, और फिर माइक्रोस्कोप में हमें ऑयल इमर्जन पर ऑब्जर्व करना है। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो स्टेन हो चुका है, ठीक है, डार्क कलर से, और जो बैक्टीरिया है वो आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो भी स्टेन हो गया है। जो भी हम काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे उस कलर का बैक्टीरिया जो है वो स्टेन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का कैप्सूल है, सेल के अराउंड जो कैप्सूल है वो अनस्टेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इंडिया इंक मेथड का यूज़ करके कैप्सूल को डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। तो कुछ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला निमोनिया, और कैप्सुलेटेड फंगस भी, जैसे कि क्रिप्टोकोकस। तो आज के लेक्चर में हमने कैप्सूल स्टेनिंग को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।